भैया ना, वेरी गुड। मैंने सुना है आपके हाफ ईयरली एग्जाम आ रहे हैं और इस हाफ ईयरली एग्जाम में आपको ये मॉडिफाइड बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का चैप्टर आ रहा है, यानी आपको बच्चों आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और रिप्लिकेशन तीनों आने वाले हैं। और बच्चों ये जो बड़े बड़े नाम है ये आपको थ्रेट दे रहे हैं कि कैसे याद होगा। सो बच्चों पहली चीज याद तो आपको करना पड़ेगा, दूसरी चीज आपको उसको रटना भी पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चे ये सोचें कि हम विजुलाइज करके पिक्चराइजेशन के थ्रू इसको माइंड में सेट कर लेंगे तो इट इज इम्पॉसिबल। एनीहाउ यू हैव टू गो थ्रू द रोट मेमोराइजेशन एंड इट इज वेरी मच नेसेसरी। सो आपको पहले इसको रटना पड़ेगा, बाद में रिविजन जब करेंगे तब बेसिकली आपके दिमाग में ये घुसेगा कि ये होता क्या है, ठीक है। तीसरा बच्चों, जो ये हर्डल्स हैं, किसे हर्डल्स हैं, जो छोटे छोटे टॉपिक हर्डल्स के रूप में हमारे सामने ये घूमते रहते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, इन हर्डल्स को पकड़िए और इनसे बोलिए भाग जा। क्यों? क्योंकि मुझको सब आता है। बच्चों स्टे ट्यून विद कामिज ओवर क्लासेस। नहीं है नीट पेपर का पंचनामा, फिर भी इन 2024 में नीट के पेपर में 360 मार्क्स हमारा टारगेट है, लेके ही आना, क्लियर। सो चलिए इसी को स्टार्ट करते हैं, यानी कल जो मैंने आपको पढ़ाया था वो मैंने आरआरएनए पढ़ाया था, यानी राइबोसोमल आरएनए, यानी राइबोसोम्स पढ़ाया था। और आज जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो मैं पढ़ा रही हूँ टीआरएनए, यानी ट्रांसफर आरएनए और एडेप्टर आरएनए। सो तीनों नाम मैंने ऊपर लिख दिए हैं तो ये बहुत ईजी है देखना आपको, क्लियर। और ये स्ट्रक्चर आपको बता ही रहा होगा कि मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ आपको, यानी आज मैं केवल आपको ये टीआरएनए का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रही हूँ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमको पता होना चाहिए कि कहाँ से अमाइनो एसिड आ रही है, कहाँ पे एंटीकोडन साइट है, कहाँ पे राइबोसोम बाइंडिंग साइट है और कहाँ पे हमारा एंजाइम साइट है। तो जब तक ये पता नहीं होगा तब तक हमको इसका बॉन्ड बनाने में, बॉन्ड कौन सा बनेगा बच्चों, पेप्टाइडल बॉन्ड बनेगा, यानी पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, तो वो बॉन्ड बनाना भी समझ नहीं आएगा कि कैसे बनता है, ओके। तो चलिए रीड करते हैं। सबसे पहले ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये सो ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं हॉलीज क्लोवर लीफ मॉडल। क्या बोलते हैं बच्चों? हॉलीज क्लोवर लीफ मॉडल, इसको हॉलीज ने डिस्कवर किया था। सो देखते हैं इसमें बेसिकली कितने साइट हैं और इन साइट के नाम क्या है और इनका बेसिक फंक्शन क्या है, ठीक है। सो आपको ये सबसे पहला ऊपर का एंड देखिए, इसको बोलते हैं एसेप्टर आर्म। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? एसेप्टर आर्म, जिसके पास बच्चों हाइड्रोक्सिल ग्रुप पैटर्न होगा, जो बेसिकली किस फॉर्म में होगा, 5' CCA 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप के पैटर्न में होगा। सो बच्चों क्लियर हुआ ये एसेप्टर आर्म आपको? अब देखिए यहाँ पे मैंने थर्ड प्राइम लिखा है, साथ में हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी लिखा हुआ है। ये हमको ये शो करता है कि यहाँ पे अमाइनो एसिड अटैचमेंट साइट है, यानी जो अमाइनो एसिड ये टीआरएनए लेके आने वाला है उसका अटैचमेंट साइट यहीं पर है। बच्चों ये जो टीआरएनए है ये हर एक अमाइनो एसिड के लिए स्पेसिफिक है, बट कई बार कुछ अमाइनो एसिड को बहुत सारे टीआरएनए अपनी तरफ एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, इसीलिए ये डीजेनरेटिव फॉर्म में आता है। इस फॉर्म में आता है डीजेनरेटिव फॉर्म में, क्लियर। सो याद रखिएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यानी ये जो हाइड्रोक्सिल साइट है जो 3' पे है उसके साथ क्या अटैच्ड होगा? अमाइनो एसिड। अगर अमाइनो एसिड यहाँ पे अटैच्ड है तो आप मुझके ये सोचेगा कि ये टर्मिनल एंड ऑफ द टीआरएनए है और यहाँ पे हमेशा एडिनोसाइन अटैच्ड होगा। एडिनोसाइन अटैच्ड होगा यानी प्यूराइन अटैच्ड होंगे। सो ये प्यूराइन, पायरिमिडाइन, न्यूक्लिक एसिड ये सब क्या है, नाइट्रोजिनस बेस पेयर्स क्या है, ये मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत वास्ट प्रोसेस है पढ़ने के लिए, क्लियर। अभी बस अपना ये याद रखिए कि ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसके पास अमाइनो एसिड अटैचमेंट साइट है, यानी ये एक अमाइनो एसिड को अपने से अटैच करेगा। और किसको अटैच करेगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड की साइट को और हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द न्यूक्लियोटाइड ऑफ द टीआरएनए साइट को, क्लियर। नेक्स्ट इसके देखिए बच्चों हमको क्या मिल रहा है? राइबोसोमल बाइंडिंग साइट, यानी ये वाला जो साइट है ये इसको राइबोसोमल बाइंडिंग साइट बोलते हैं। आप अंदर देख रहे होंगे कि मैंने कुछ लिखा है, यानी टी लिखा है, फिर एक यू लिखा, फिर उसको काट दिया, फिर एक सी लिखा है, तो इस पूरे को हम पढ़ते हैं सूडो यूरिडीन। क्यों? क्योंकि ये जो यू है इसका मतलब है यूरिडीन, उसको काट दिया यानी सूडो यूरिडीन साइट, ओके। और ये राइबोसोमल बाइंडिंग साइट भी देगा। राइबोसोमल बाइंडिंग साइट का मेन फंक्शन होगा कि जब ट्रांसलेशन होगा तो वो करेक्ट पोजीशन पे होना चाहिए, इस चीज को ये ध्यान रखेगा, क्लियर। अब देखिए इस सूडो यूरिडीन और इस एंटीकोडन के बीच में एक छोटा सा लूप आप देख रहे होंगे, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा आर्म और वेरिएबल आर्म। क्या बोलते हैं?
एक्स्ट्रा आर नॉट वेरिएबल आर। चलिए अब इस पे आइए नेक्स्ट, यानी एंटीकोडन। ये जो एंटीकोडन है इसके पास एक कोडन है, किस फॉर्म में है, ए यू जी फॉर्म में है। ए यू जी यानी जब हमारा ट्रांसलेशन या ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है तो वहां पे मिथियोनाइन का होना बहुत कंपलसरी है, यानी ए यू जी जो है ये मेरा स्टार्ट कोडन है। क्या है बच्चों, स्टार्ट कोडन। स्टार्ट कोडन यानी ए यू जी यानी मिथियोनाइन। तो बच्चों यहाँ पे एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, जो ये mRNA चेन है यानी 5 टर्मिनस और 3 टर्मिनस जो उसका पॉइंट है, ये इसी तरीके से आएगा, यानी यही कोडन चेन है। ये जो कोडन चेन है ये जेनेटिक कोड लेके आ रही है डीएनए से कॉपी करके, ओके। और किस फॉर्म में लेके आ रही है बच्चों, नाइट्रोजेनस बेस पेयर सीक्वेंस के फॉर्म में। अगेन रिपीट करी हूं, ये जो mRNA चेन है ये बेसिकली डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू mRNA चेन में कन्वर्ट होके जेनेटिक कोड को लेकर आ रही है। और ये जो सारे जेनेटिक कोड हैं ये नाइट्रोजिनस बेस पेयर सीक्वेंस के फॉर्म में यहाँ पे आ रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे एंटीकोडन का फंक्शन क्या है, एंटीकोडन भी बेसिकली एक ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के फॉर्म में कोड लेकर आ रहा है, ओके। सो ये देखिए कोड ए यू जी, और ये कोड जो है ये स्टार्ट कोडन है और मिथियोनाइन भी है, ठीक है। तो जब ये mRNA चेन के जेनेटिक कोड के साथ में कॉम्प्लीमेंटेड बेस पेयरिंग करेगा और एक दूसरे से अटैच होगा तो नो डाउट मुझे एक प्रोटीन बना के देगा, क्लियर। अब एंटीकोडन का मेन फंक्शन क्या है, एंटीकोडन का मेन फंक्शन है जो परफेक्ट अमाइनो एसिड है उसको परफेक्टली ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर फिक्स करना और मुझको एक बहुत लंबी सी ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन बना के देना, ओके। सो जब एंटीकोडन साइट होगी बच्चों, यानी इसके जस्ट ऊपर जो इसका बेस है उसके पास जी 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 यानी ट्रिपल जी और सी 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 यानी ट्रिपल सी फॉर्म में बेस पेयर्स होंगे। तो यहाँ मैंने लिखा भी है 3GC बेस पेयर्स, और ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, नीडेड टू एंटर पी साइट। किस लिए है, नीडेड टू एंटर पी साइट। अब मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाती हूँ जिससे आपको समझ आएगा कि पी साइट ए साइट और ई साइट होती क्या है। सो कल मैंने आपको एक स्ट्रक्चर पढ़ाया था राइबोसोम का, उसमें एक लार्जर सब यूनिट पढ़ाया था और एक स्मॉलर सब यूनिट पढ़ाया था। तो मैं इसको यहाँ बनाती हूँ फिर से। तो देखिए ये मेरा है लार्जर सब यूनिट, ठीक है, जिसको मैंने एक मोटा सा पेट बोला था और उसको मैंने नीचे बनाया था, और छोटा सा जो पेट था यानी जो हेड था उसको ऊपर बनाया था। यहाँ पे मैं उल्टा बना रही हूँ, ठीक है, और इसके नीचे में छोटा सा पेट बना रही हूँ फिर से इसका, ठीक है। ऐसा हमारा राइबोसोम का स्ट्रक्चर होता है। इस राइबोसोम के स्ट्रक्चर के अंदर इस तरीके से ये जो mRNA चेन है वो पास होती है, और उसके बाद फिर आपका पी साइट ऐसे मिलेगा आपको, ए साइट भी आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पे आपको ई साइट मिलेगा, ठीक है। तो मैं नाम लिखती हूँ, जरा देखिए, ये है हमारा पी साइट, ये है हमारा ए साइट और ये है हमारा ई साइट, क्लियर। ये है हमारा 5', ये है हमारा 3', और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कोडन जो आप देख रहे हैं जो प्रोटीन बनाने में हेल्पफुल है, वो आपको यहाँ पे फ्लैंक करते हुए नजर आएंगे। यानी अगर मैं इसको बोल दूं यहाँ पे ए यू जी, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए इसको यू ए सी, ठीक है। अब ये जो पी साइट है ये बेसिकली पेप्टाइडल tRNA बाइंडिंग साइट है, जो ए साइट है ये बेसिकली अमाइनो एकाइल tRNA बाइंडिंग साइट है, और जो ई साइट है ये डी एकाइलेटेड साइट है, यानी यहाँ पे कोई भी अमाइनो एसिड आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, इसलिए ये एग्जिट साइट। कौन सी साइट है, एग्जिट साइट। अब ये पेप्टाइडल साइट है, यानी ये क्या करेगी, जो tRNA आ रहा है उसको होल्ड करके रखेगी और उसके एंड पे पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगी, यानी CNOH का बॉन्ड बनाएगी। किसका बॉन्ड बनाएगी बच्चों, CNH और डबल बॉन्ड O का बॉन्ड बनाएगी, ठीक है। अब अगर ये ए साइट है तो जो tRNA बॉन्ड यानी जो चार्जिंग tRNA इस ए साइट के पास आ रहा है, जिसके पास अमाइनो एसिड अटैच्ड होके आ रहा है, उसको ये होल्ड करके रखेगी, ठीक है। तो बच्चों ये दोनों तो tRNA है, ये दोनों के दोनों अमाइनो एसिड को लेके आ रहे हैं, उन दो अमाइनो एसिड के अंदर पेप्टाइडल बॉन्ड बना रहे हैं। तो जब पेप्टाइडल बॉन्ड बनेगा तो नो डाउट एक प्रोटीन बनेगा और इस तरीके से चेन ग्रो करेगी, ठीक है। क्लियर हुआ आपको ये किस तरीके से ये mRNA इसके अंदर रन करेगी। और अगर अभी नहीं समझ आ रहा हो तो जब मैं ट्रांसलेशन पढ़ाऊंगी तब आपको बहुत अच्छे से इलाबोरेट करके समझाऊंगी।
एक चीज यहाँ पे मैं बोलूंगी बच्चों, इसका हर टॉपिक कम से कम बच्चों हाफ एन आवर और वन आवर का है, तो इसको समझिएगा, पेशेंस रखिएगा थोड़ा, क्योंकि अगर मैं ब्रेक में वीडियो बनाती हूँ तो कुछ समझ नहीं आएगा। सो इसलिए बस मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो लंबे होते हैं तो आप उसको देखने की हिम्मत करिएगा, अदरवाइज समझ कुछ नहीं आएगा, ब्रेक करके मैं बनाऊंगी। ओके, तो क्लियर हुआ ये। दूसरी चीज देखिए, ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है यहाँ पे जहां पे अमाइनो एसिड अटैच हुआ है उसके जस्ट अपोजिट एंटीकोडन एंड होगा। क्लियर, समझ आया आपको? अब देखिए इस पे आते हैं, यानी लास्ट लूप पे आते हैं, जिसको हम डी लूप भी बोलते हैं, यहाँ लिखा है मैंने, और उसको डीएचयू भी बोलते हैं, यानी डाइहाइड्रोयूरिडीन लूप भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये अमाइनो अल्काइल सिंथेटेज बाइंडिंग साइट है, यानी ये एंजाइमेटिक साइट है। ठीक है, एज आ गया, यानी एंजाइम का साइट है, कैटेलाइज करने का काम यही करेगी। ठीक है, इसलिए इसको अमाइनो अल्काइल सिंथेटेज बाइंडिंग साइट बोलते हैं। सो क्लियर हुआ आपको ये स्ट्रक्चर? तो चलिए बच्चों, इस टीआरएनए का मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन भी जान लेते हैं। इस टीआरएनए का जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है उसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ अमाइनो एसिड टू द राइबोसोमल साइट फॉर द सिंथेसाइजिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन, तो दैट वी नो वेरी वेल, क्योंकि ये बनाएगा तो प्रोटीन ही, और किसके साइट पे बनाएगा? राइबोसोमल साइट पे। और क्या ट्रांसफर करेगा बच्चों? अमाइनो एसिड। और अमाइनो एसिड कहाँ अटैच है बच्चों? सीसीए पैटर्न जहां होगा, जहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा, और वहां पे थ्री प्राइम एंड होगा। क्लियर, और इस थ्री प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप सीटीए पैटर्न के जस्ट अपोजिट हमारा एंटीकोडन एंड होगा। क्या होगा? एंटीकोडन एंड, जो बेसिकली एक कोडन लिया हुआ होगा, और जो एमआरएनए चेन है वो लेकर आएगी जेनेटिक कोडन को, ये अमाइनो एसिड को लेकर आएगा, दोनों अपनी पेयरिंग करेंगे और मुझको एक प्रोटीन बना के देंगे। क्लियर? सो बच्चे, दूसरी लैंग्वेज में हम ये बोल सकते हैं, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा है, द मेन फंक्शन ऑफ टीआरएनए टू ब्रिंग द अमाइनो एसिड एंड रीड द जेनेटिक कोड। ओके, सो अब नेक्स्ट इसकी चीज देखते हैं, ये जो टीआरएनए, ये स्मॉलेस्ट आरएनए है। क्या है बच्चों? स्मॉलेस्ट आरएनए, क्योंकि ये बच्चों ओनली 15% ऑफ द टीआरएनए होता है टोटल आरएनए के कंटेंट में। ओके, अब ये स्मॉलेस्ट है, ये तो मैंने आपको बोला, इसके साथ में 70-85 न्यूक्लियोटाइड चेन्स होंगे, साथ में सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होगा जो 4s के फॉर्म में होगा। ओके, दूसरा बच्चों, ये बेसिकली कॉइलिंग कॉज करता है, बट क्योंकि टीआरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है इसीलिए ये एल शेप्ड का क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर कॉन्फिगरेशन हमको देता है। तो चलिए इसको देखते हैं किस तरीके से ये एल शेप क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर हमको दे रहा है। तो देखिए, ये दे रहा है एक एल, यहाँ से चलिए ये दूसरा एल, यहाँ से चलिए ये तीसरा एल, यहाँ से चलिए ये चौथा एल। तो इस तरीके से ये एल शेप का कॉन्फिगरेशन हमको देता है। क्लियर? सो बच्चों, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम इसका यहाँ पे जान लेते हैं। यहाँ देखिए, मैंने आपको कहा कि ये सीसीए पैटर्न है, दिख रहा है आपको? सीसीए पैटर्न किस पे है? थ्री प्राइम पे, जहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, और इसी को मैंने अमाइनो एसिड अटैचमेंट साइट बोला आपको। तो जब ऐसा पैटर्न फॉलो हो रहा हो थ्री प्राइम पर, तो आप आंख मूंछ के ये सोच लीजिएगा कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस यहाँ पे स्टॉप हो गई है और ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है। ओके, सो ये इसकी एक आइडेंटिटी है। दूसरी आइडेंटिटी बच्चों इसकी ये है कि ये पैटर्न होगा, साथ में एंटीकोडन साइड होगा, यानी ए ए पैटर्न बोलते हैं, अमाइनो एसिड साइड और एंटीकोडन साइड भी इसकी एक रिकॉग्निशन साइड है, जिससे ये पता चलता है कि ट्रांसलेशन स्टार्ट होने वाला है। ओके, और इसके ये जो दो आर्म है, यानी सूडो यूरिडीन आर्म और आपका डाई हाइड्रो यूरिडीन आर्म, ये भी इसकी एक रिकॉग्निशन साइट है, जिससे ये पता चलता है कि ट्रांसलेशन स्टार्ट होने वाला है। और बच्चों, एक और इसका रिकॉग्निशन पॉइंट है कि ये जो टीआरएनए है, ये बेसिकली स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के लिए है, यानी डिफरेंट डिफरेंट टीआरएनए डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स के लिए बने हैं। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ अमाइनो एसिड को मोर देन 2 to 6 टीआरएनए एक साथ पिकअप कर लेते हैं, तो उस समय ये जो कोड है वो डीजेनरेट हो जाता है। यानी क्या हो जाता है बच्चों? ये डीजेनरेट हो जाता है, तो ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। 5' है, यानी फॉस्फेट लगा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यानी 3N लगा है, अमाइनो एसिड यहाँ पे अटैच होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। सो अमाइनो एसिड का जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के टर्मिनल एंड पे टीआरएनए से कोवेलेंट बॉन्ड बना के अटैच हो जाएगा। ओके, अब इसको हम एक्सेप्टर आर्म बोलते हैं,
क्यू एक्सेप्टर आर्म बोलते हैं, इसमें एक पैटर्न फॉलो होता है 5 प्राइम CCA 3 पैटर्न, ओके, इसको इसलिए इसको बच्चों एक्सेप्टर आर्म बोलते हैं, क्लियर। देन इसको राइबोसोमल बाइंडिंग साइट बोलते हैं और सूडो यूरिडीन भी बोलते हैं हम इसको, क्यों बोलते हैं, इस राइबोसोम का काम क्या है, जब ट्रांसलेशन होगा तो वो करेक्ट पोजीशन पे हो, उसकी साइट चेंज ना हो, उसको मेंटेन करने का काम यही करेगी, ठीक है। फिर एक वेरिएबल आर्म है हमारा छोटा सा, देन फिर हमारा एंटीकोडन आर्म है और उसके जस्ट अपोजिट 5 प्राइम 3 प्राइम mRNA की चेन है जो जेनेटिक कोड को लेके आ रही है, कहां से लेके आ रही है, DNA से कॉपी करके mRNA में कन्वर्ट हुई और ये mRNA चेन हमारे पास ऐसे आ रही है। तो जब ये दोनों पेयरिंग करेंगे, अपना बॉन्ड बनाएंगे, तो फाइनली एक प्रोटीन बनाएंगे। सो बच्चों ये कौन सी साइट है, ये बेसिकली हमारी डी लूप साइट है और इस साइट को हम डाई हाइड्रो यूरिडीन साइट भी बोलते हैं और इसका नाम क्या है, अमाइनो एथाइल सिंथेटेज बाइंडिंग साइट, और ये एंजाइमेटिक यानी कैटालिटिक का रोल करेगी, ओके। तो क्लियर हुआ आपको ये होलीज क्लोवर लीफ मॉडल बच्चों, टफ है बच्चों ये मुझे मालूम है, इजी नहीं है, बट बच्चों याद तो करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हम अगर याद नहीं करेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि अमाइनो एसिड ट्रांसलेशन में कौन सा एंड ला रहा है और क्यों ला रहा है। सो प्लीज रीड करिए, लर्न करिए, बस यही बोलूंगी मैं। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मोटिवेशन देना ना भूले। सो कैसे मोटिवेशन देंगे, कमेंट्स लिखे, ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।